इंसान हूँ, जब इंसानियत का खुलेआम कत्ल होता है, जब छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जाता है, तो मेरा भी दिल तड़पता है, मेरी भी रूह काम जाती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान के पेट से पैदा हूँ हुआ हूँ। अगर मुझे इंसानियत की दर्द, इंसानियत की फिक्र नहीं रहेगी, तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर लानत होगी। हमने वाकयात सुने हैं कि एक दौर ऐसा भी था, ऐसा जहालत का दौर था, जहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था। आज के दौर में भी ऐसे कुछ जाहिल हैं जो अपनी बेटियों को मार देते हैं, गोली मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और मारने वाले कौन हैं? मर्द हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे एक खबर सुनकर आज कि एक औरत बच्ची पैदा हुई है घर के अंदर, जिसकी उम्र सिर्फ दो महीने की छोटी सी बच्ची, जिसकी ना गर्दन खड़ी थी, ना जिसकी आवाज़ सीधे निकल रही थी, ना जिसने दुनिया को सीधा नहीं देखा था, आज उसे मार दिया गया है। मारने वाले कौन है पता है आपको? मर्द नहीं बल्कि औरत ने मारा है। कौन औरत? उसकी सगी माँ ने उस मासूम दो महीने की बच्ची को ओवन में रखकर, कहाँ पर? ओवन में रखकर मारा है। क्या कहेंगे अब? किसके ऊपर दोष देंगे? क्या समाज जो है हमारा उसके उसे दोष देंगे? क्या मर्द उसे दोष देंगे? क्या औरत उसे दोष देंगे? किसे दोष देंगे? माँ ने पैदा किया, नौ महीने रखकर पेट में पाला, उसे पता चला कि बेटा नहीं बेटी हो गई, मार दिया। इतना बोझ क्यों समझते हैं औरत को? इतनी नहुसत क्यों समझते हैं औरत को? अरे समझ लो, आप नहुसत समझो, बुरी समझो, खराब समझो, लेकिन तुम भी तो एक औरत के पेट से पैदा हुए। इतना समझ नहीं आता आपको? इतना एहसास नहीं होता कि मैं भी तो एक औरत के पेट से पैदा हुई हूँ, मुझे भी तो नौ महीने पेट में रखकर पाला गया, मेरी भी तो माँ चाहती तो पेट में मुझे मार सकती थी, मेरे वजूद को ख़त्म कर सकती थी, मुझे मेरा नाम और निशान मिटा सकती थी। क्या आपकी माँ ने आपको पैदा किया, इसका दोष छोटी सी नन्ही सी बच्चियों को आज मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा? अरे जनाब, ये जो गिनी चुनी खबरें मुझे मिल रही हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसी कई खबरें रोज़ाना, कई खबरें हैं जो मुझ तक नहीं पहुँच पाती, जो आप तक नहीं पहुँच पाती। जनाजे उठ रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चियों के। बेटी को मारा गया है दिल्ली के अंदर, दो महीने की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, इसे बेटे की तमन्ना थी, इसे बेटा चाहिए था, ये भी एक औरत थी, ये भी एक माँ थी। दो महीने की बच्ची को मार कर जो है ओवन के अंदर डाल दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बच्ची कहाँ है, बच्ची गई, बच्ची तो ओवन में मरी पड़ी है। मैं ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि जो बुराई होती है वो बुराई होती है। कोई मर्द जुल्म करता है तो उसका ताल्लुक तमाम मर्दों से नहीं होता। कोई औरत जुल्म करती है, कोई औरत हत्या करती है, कोई औरत कत्ल करती है, तो उसका ताल्लुक तमाम औरतों से नहीं होता। कोई आतंकवादी किसी का कत्ल कर रहा है तो उसका धर्म किसी भी धर्म से नहीं होता। जहाँ पर मजहब होता है वहाँ पर बुराई नहीं होती, जहाँ बुराई होती है वहाँ पर मजहब नहीं होता, जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर कोई जेंडर नहीं होता, जहाँ पर जेंडर कोई होता है तो वहाँ पर बुराई नहीं होती। जो लोग कत्ल करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, इनका ताल्लुक किसी भी समाज से नहीं होता। इन्हें जानवर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जानवरों से, हैवानों से भी बदतर होते हैं। मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के हक में आप तमाम लोग दुआ करें।